सकता है तो मार्केट अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। टू गेट निफ्टी। सोलो एवरीन, वेलकम टू द चैनल विपुल दिस साइड। चलिए देखते हैं मंडे को मार्केट कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं। ऑप्शन चेन डिकोड करेंगे और FIDA का डेटा देखेंगे और मार्केट को प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली उसके थोड़े से लेवल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम FIDA का डेटा देख लेते हैं। होप यू गाइस अभी आपको देख रहा होगा मेरे पास FIDA का 27 सितंबर का डेटा ओपन है, जहाँ पे FIIs ने अराउंड 1200 करोड़ की सेलिंग की है। DIIs ने 600 साढ़े 600 ऑलमोस्ट 7000 करोड़ की बाइंग की है। ठीक है, सो इतना हैवी बाइंग उसके बाद भी मार्केट में कुछ एकदम हैवी मोमेंटम नहीं रहा है ना। मे बी रीजंस थे कुछ, बट मैं उतना डीप में जाऊंगा नहीं क्योंकि मार्केट बहुत भयंकर तरीके से वर्क कर रहा है। पिछले कुछ समय में तो इतना गंदा तरीके से वर्क कर रहा है, स्पेशली प्रीमियम। जब भी मार्केट ऊपर जाता है, कॉल के प्रीमियम धीरे धीरे बढ़ते हैं और जैसे ही एक रेड कैंडल बनती है एकदम शार्पली ढके हो जाते हैं। सो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है अभी मार्केट में। अभी हम यहाँ पे ऑप्शन चेन लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन लगा लेता हूँ और बैंक निफ्टी हम पहले बैंक निफ्टी पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम अभी आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी ओपन है। दैट टू के डे टाइम फ्रेम पे आज मार्केट ने नो डाउट एक नेगेटिव कैंडल बना दी अराउंड 12 बजे के बाद। समथिंग एकदम वन साइड गिरा, बट ड्यू टू मार्केट बहुत समय से ये अच्छे से नहीं वर्क इंडेक्स कर रहे थे और प्रॉफिट मार्जिन मैं चेक कर रहा था कि कहीं ना कहीं ड्रॉ डाउन हो रहा था अकाउंट में, तो मैं स्टॉक्स की साइड शिफ्ट हो गया था। बट हाँ, मैं मार्केट देखता हूँ, बहुत कम एक आध ट्रेड ही लेता हूँ, मोस्टली मैं स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं कि कैसे अप्रोच कर सकते हैं। देखो द थिंग इज दैट कि एट द एंड हमको पैसे से मतलब है, चाहे वो स्टॉक से मिले चाहे FNO से मिले। और FNO का डेटा ऑलरेडी आप देख रहे हो कितना खतरनाक है, मार्केट इतना गंदा चल रहा है कि पैसा लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सिर्फ जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है वही इसमें वो कवर कर पा रहे हैं। बाकी अगर कहीं पे भी हम अपना कितना भी लॉजिक लगा लें, आज का मार्केट ठीक है अगर प्रॉफिट में हम भी प्रॉफिट में रहे। मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कैसे हमारे वीक्स निकले, लास्ट वीक मतलब कितने दिन प्रॉफिट कितने दिन लॉस, ये सब मैं शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम इसमें एनालिसिस की बात कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर एक लेवल मार्क कर लेते हैं। यार मैं यहाँ पर एक लेवल मार्क कर लेते हैं जो कि है आज के डे का लो। ठीक है, और इसको हम करते हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट। मार्केट 50 EMA के नीचे आ गया है, कहीं ना कहीं अब नेगेटिविटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब तक 50 EMA के नीचे है, दैट के 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, मतलब 54,100 के नीचे है, जब तक हमारे लिए एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ही रहेगी। अगर इसके ऊपर चला गया नो डाउट या गैप अप ओपन हो गया, देन अगेन ये बुलिश ट्रेंड में चला जाएगा, बुलिश टू साइडवेज। कैप डाउन मतलब 50 EMA के, मैं कैसे अप्रोच करता हूँ, 50 EMA के नीचे है तो मैं सेलिंग साइड टू साइडवेज अप्रोच रखता हूँ। अगर 50 EMA के ऊपर चला जाता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, देन मैं बाइंग टू बुलिश टू साइडवेज, ये एक्सपेक्टेशन रहता है मेरा। साइडवेज मतलब इन द सेंस कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं कि साइडवेज में नीचे आ रहा है, नहीं, स्लोली स्लोली वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है, दैट के बुलिश और बेरिश। सो ये है। अभी लेवल्स की बात क्या ही करेंगे यार, इसमें 54,000 इज साइकोलॉजिकल लेवल है ये हमारे लिए, नो डाउट। अभी अगर हम ऑप्शन चेन ऊपर करेंगे तो 54,000 पे अच्छा खासा अभी सेलर्स का डेटा होगा। 26 लाख वाइज है, पुट सेलर्स भाग रहे हैं, कॉल सेलर्स का अभी यहाँ पे दबदबा बढ़ रहा है। तो 54,000 के ऊपर जाएगा देन ये सारे कॉल सेलर्स एग्जिट करना चालू करेंगे, देन एक शॉर्ट कवरिंग साइड मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है 54,070 या 100 के ऊपर ही, जिसमें हमको अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 54,400 जो कि प्रीवियस डे हाई है, मतलब एज़ कम्पेयर टू क्लोजिंग कैंडल नॉट एज़ कम्पेयर टू विक, सो इसको हम एज अ रेजिस्टेंस देख सकते हैं और यहाँ तक मार्केट अप्रोच कर सकता है अगर 54,100 ब्रेक करता है, मतलब 300 पॉइंट की रेंज दिख रही है। डाउन साइड में तो मार्केट नेगेटिव ही है, कहीं पे भी सेलिंग सेल ऑन राइज का अपॉर्चुनिटी मिलती है, देन अगेन सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी। जो भी आपका सेटअप है या जो भी आपकी स्ट्रेटजी है आप उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। सो अभी हम उसको रखते हैं साइड में और अब हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी भी डे टाइम फ्रेम पे ओपन है, बट निफ्टी ने ऐसा कुछ खास मोमेंटम किया नहीं है। ओके, सो निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी ने हाँ नेगेटिव रही है, बट इसने कुछ बड़ा मोमेंटम नहीं किया, कोई बड़ी कैंडल नहीं बनाई है। तो अभी अभी हमारे लिए ये देखने के लिए मेन रहेगा कि निफ्टी का ये जो इसको हम 50 में टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर देते हैं, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हम देखते हैं। हाँ, निफ्टी देखो स्लो एंड स्टडी नीचे आया है, नो डाउट गैप अप ओपन होने के बाद, और यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है। निफ्टी में फॉल नहीं आया, फॉल आया बैंक निफ्टी में, तो निफ्टी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है और इसमें ये एक ट्रेंड लाइन भी हमको दिख रही है। तो आप इसको एज अ ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हो और ये एक पैटर्न भी है ना,
ये एक पैटर्न हमको ऐसा, ये एक बुलिश पैटर्न है ना। अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट अच्छा खासा ऊपर जा सकता है, क्योंकि निफ्टी में बना है, बैंक निफ्टी में नहीं। तो अगर बुलिश साइड के लिए देखना है तो निफ्टी को देख सकते हैं, और बैंक निफ्टी अगर साइडवेज टू बुलिश रहता है देन बैंक देन निफ्टी बहुत भयंकर तरीके से ऊपर जा सकता है, ठीक है। जिसमें डे लो तो समझ लो, मतलब जो डे हाई है प्रीवियस डे फ्राइडे का, वहाँ तक के लिए। देखो एनीथिंग एज एक मतलब हमारे प्लान से बाहर अगर कोई भी काम हो जाता, लाइक कैप अप ओपन हो गया, बहुत बड़ा कैपिटल ओपन हो गया, देन फिर इट्स डिफरेंट सिनेरियो। वी हैव टू ट्रेड अकॉर्डिंगली आर प्लान आर एनालिसिस वॉट एवर योर स्ट्रेटजी वर्क्स, ऐसा अप्रोच हमको रखना पड़ सकता है, ठीक है। सो होप्स यू गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। निफ्टी की ऑप्शन चेन भी एक बार हम देख लेते हैं, जिसमें 26,000 पे अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है, और निफ्टी अगर हम देखें तो 26,100 के ऊपर ही है। कहीं ना कहीं निफ्टी स्टिल बुलिश दिख रहा है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, ठीक है। सो होप्स यू गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।